नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 11 विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 11 पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज के वीडियो में अपन लेते हैं अध्याय 12, जिसमें मीरा के पद दिए हुए हैं, मीरा की पदावली है और दो पद इस अध्याय में दिए गए हैं मीरा के, जिनको नरोत्तम दास द्वारा संकलित संपादित हैं, मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। दोनों पदों में मीरा ने अपने जीवन की जो भी जीवन के अंदर जो भी कार्य किए हैं, जो भी जीवन में घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में बताया है। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी, यानी कृष्ण की भक्ति उनके बचपन से ही उनके मन में समा गई थी। तो सब इन पदों को, मीरा के पदों को पढ़ने से पहले मीरा के जीवन परिचय में थोड़ा सा फोकस डालते हैं कि मीरा का व्यक्तित्व किस प्रकार का था। तो सबसे पहले तो मीरा का जो जन्म हुआ था वो 1498 में मारवाड़ रियासत के अंदर कुड़की गांव में हुआ था, जो कि नागौर ज़िले में मेड़ता, जो देखा होगा आपने तहसील, मेड़ता तहसील है, मेड़ता रोड, मेड़ता सिटी। तो मेड़ता सिटी के कुड़की गांव में 1498 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं मीरा पदावली और कई मीरा मुक्तावली जो नरोत्तम दास द्वारा रचित हैं, इन्होंने कई पद लिखे हैं और वो भी राजस्थानी भाषा में इन्होंने काफ़ी कुछ कविताएं लिखी हैं। इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है कविताओं में और राजस्थानी भाषाओं का भी प्रयोग किया है। मीरा का जो मृत्यु हुई थी, मीरा की जो 1546 में मानी जाती है, तो 1498 से लेकर 1546 के बीच में उन्होंने पूरा जीवन जो कृष्ण भक्ति में जिया था, उन्हीं को उन्होंने कविताओं के जरिए, पदों के जरिए लिखा है। तो आज के वीडियो में अपन पहला पद लेते हैं, जिसका आधा भाग है, तो उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो मीरा जो थी वो सगुण धारा की भक्तिकालीन कवित्री मानी जाती हैं और इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी दूर दूर तक देश की यात्राएं की हैं। जिस प्रकार अन्य भक्तिकालीन कवियों ने की, उसी प्रकार इन्होंने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की हैं। चित्तौड़ के राजघराने में कष्ट उठाने के बाद में, जब इनकी शादी हो गई थी चित्तौड़, तो वहाँ पर काफ़ी इनको कष्ट उठाने पड़े। तो वहाँ पर कष्ट उठाने के बाद में ये वापस मेड़ता आ गई थी। बचपन से इनके मन में कृष्ण भक्ति की भावनाएं भर गई थी। इनके गुरु थे जो रैदास जी थे, इनके गुरु माने जाते हैं रैदास जी। तो भक्ति जो कृष्ण के प्रति उनकी थी, उसी के कारण चित्तौड़ राजघराने में उनको कई कष्ट उठाने पड़े। तो कष्ट उठाने के बाद वो मेड़ता वापस आ गई और मेड़ता आने के बाद में इन्होंने कृष्ण की जो लीला भूमि वृंदावन है, वहाँ पर भी यात्राएं की। और उसके बाद जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने द्वारकाधीश अपना स्थान लिया, यानी द्वारकाधीश की ओर चल पड़ी और वहाँ पर वो माना जाता है कि जो एक रणछोड़ दास जी का मंदिर है, वहाँ की जो मूर्ति है उसके अंदर वो समाहित हो गई, ऐसा माना जाता है। तो मीराबाई जो थी, तो वो बड़ी, मतलब इन्होंने पर्दा पाता का भी पालन नहीं किया और जो भी लोकलाज और जो परिवार के अंदर, राजघराने चित्तौड़ राजघराने में परिवार के अंदर जो
वंश की जो नियम थे उनका भी इन्होंने विरोध किया था, तो वह हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। इन्होंने मंदिर में, ये मंदिर में नाचा करती थी तो उसमें भी उनको हिचक नहीं थी, इनके कहने का मतलब उनको लोक लाज बिल्कुल भी नहीं थी। वे हमेशा स्वतंत्र होकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी और इसी मीरा के इसी जीवन के माध्यम से इसमें पद में ये दिए हुए हैं कि किस प्रकार का मीरा का जो काल था, समय था, वो किस प्रकार बीता। तो पदों के जरिए ये बता रही हैं कृष्ण की वह अनन्य भक्त थी। तो आइए पद में पहली पंक्ति लेते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब मीरा इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहती हैं कि मेरे तो गिरधर, यानी गिरधर यानी श्री कृष्ण जो हैं, गिरधर, गिर का मतलब पहाड़ होता है और धर का मतलब उठाना, यानी जब ब्रजवासियों के यहाँ भयंकर बारिश हो रही थी तो वहाँ पर बारिश से सभी लोग परेशान हो गए थे ब्रजवासी, तो उसमें श्री कृष्ण ने एक पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था और उसी के नीचे सारे ब्रजवासी सुरक्षित हुए थे, इसीलिए इनको श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता है। तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, गोपाल यानी वो गायों को चराने जाते थे इसलिए उनका नाम गोपाल भी रखा गया। तो मीरा कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यानी श्री कृष्ण जो थे वो उनके लिए सब कुछ थे, वो अपना आराध्य भी मानती थी श्री कृष्ण को, अपना पति भी, यानी सब कुछ श्री कृष्ण को मानती थी। तो मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है, यानी दूसरा मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता है, मेरे तो केवल श्री कृष्ण है और मैं उन्हीं में ही समाहित होना चाहती हूँ। जाके सिर मोर मुकुट, यानी जिसके सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ हो, मेरो पति सोई, यानी मेरा पति वही है, मेरा आराध्य वही है जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिसने गोवर्धन का पर्वत उठाया, जिसका नाम गोपाल है, वो सब कुछ मेरे लिए है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। तो इस तरीके से मीरा ने श्री कृष्ण की प्रति अनन्य भक्ति की भावना इसमें बताई है। और इसमें यह भी बताया कि जो व्यर्थ के काम में लगे हुए व्यस्त लोग हैं उनको भी इस भक्ति से दूर रहने का कष्ट भी इसमें बताया गया है कि किस प्रकार वो कष्ट सह रहे हैं। आगे की पंक्ति में मीरा कह रही हैं कि छाड़ी दही कुल की कहानी, यानी मैंने कुल, कुल यानी यहाँ पर एक तो होता है कुल टोटल और एक कुल होता है वंश, वंश जो होता है, तो छाड़ दही कुल की कहानी, यानी मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, यानी जो वंश की मर्यादा थी उसको भी मैंने त्याग दिया, कहा करे कोई कोई, यानी अब कोई मुझे कुछ भी नहीं कह सकता ना कर सकता मेरा कोई, यानी मैंने लोक मर्यादा को भी त्याग दिया था। सामाजिक जो बंधन होते हैं, वैचारिक जो बंधन होते हैं, सामाजिक वैचारिक, उनको मैंने त्याग दिया। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन डिग 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 यानी मतलब होता है साथ में बैठना, साधना के सत्संग में जो संतन, संतन जो होते हैं, संत जन जो सत्संग करते हैं, उनके साथ में बैठकर मैं लोक लाज खोई, यानी उन संत जनों के साथ में बैठकर मैंने सभी लोक लाज को दूर कर दिया, यानी त्याग दिया। मैं उनके साथ बैठकर सत्संग में, और मैंने ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान से ही मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसा मेरा कहना है, ये मीराबाई कह रही है। आगे के पंक्ति में देखो, अंशुअन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, अंशुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यानी इसमें एक मीरा विरह वेदना को प्रकट कर रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति जो उनका भक्तिपूर्ण भाव था उससे वो श्री कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण के योग में इस प्रकार की बात कह रही हैं कि अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यानी मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपने
श्री कृष्ण के वियोग में मैंने अपने आंसुओं से निकले हुए जल से इस प्रेम रूपी बेल को सींचा है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के वियोग में इस प्रकार की बात कह रही हैं कि मैंने श्री कृष्ण के वियोग में उनके प्रेम रूपी बेल को अपने आँखों से निकले हुए आंसुओं के जल से सींचा है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब मीरा कह रही हैं कि अब तो बेल फैल गई, यानी इन आंसुओं के जल से सींचने से प्रेम रूपी जो बेल है वो बढ़ गई है, फैल गई है, अब उस पर आनंद रूपी फल मुझे प्राप्त होगा। आनंद आनंद यानी आनंद रूपी फल है वो मुझे प्राप्त होगा। इस तरीके से मीरा भाई है जो अपने इन पदों के जरिए अपनी कृष्ण भक्ति के बारे में बता रही हैं कि मेरी कृष्ण भक्ति जो है वो किस प्रकार की थी, मुझे केवल श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, वो मेरे आराध्य हैं, मेरे पति हैं, दूसरा कोई मुझे अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं है, इस प्रकार की बातें बता रही हैं। मैंने सब श्री कृष्ण की भक्ति के लिए सब कुछ लोक लाज वंश की मर्यादा आदि सब कुछ मैंने त्याग दिया है। इस तरीके से ये इन पदों के माध्यम से बता रही हैं। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गिरधर का मतलब होता है श्री कृष्ण, गोपाल भी श्री कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, मोर मुकुट, मोर मुकुट यानी मोर जो पंख होता है तो वो सिर पर श्री कृष्ण के सिर पर धारण किया होता है तो उसको मोर मुकुट कहा जाता है। छाड़ यानी छोड़ना, छाड़ यानी छोड़ना, त्यागना, इसको कहते हैं त्यागना। कुल, कुल यानी यहाँ वंश, कुल का मतलब यहाँ पर वंश है। छाड़ दे कुल की कहानी यानी मर्यादा, कहानी यानी मर्यादा। कहा करे कोई यानी कोई कुछ भी कहे या कोई कुछ भी करे। संतन, संतन यानी संत जन जो सत्संग किया करते हैं वो संतन। डींग यानी साथ में बैठना, डींग यानी साथ में बैठना। लोक लाज, जो लोक लाज जो होती है। अश्वन, अश्वन यानी आंसुओं का जल, आंखों से निकले आंसू, आंखों से निकले आंसू। सींच, सींच यानी सींचना, सींचना। प्रेम बेल बोए, प्रेम रूपी बेल, प्रेम बोले बेली यानी प्रेम रूपी बेल। तो इस तरीके से आनंद, आनंद का मतलब होता है आनंद, आनंद रूपी फल। तो इस तरीके से ये कठिन शब्द हैं जो आपको नोटबुक में नोट करने हैं, और इस पद को भी, ये जो 6 पंक्तियां हैं इनको भी आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में मैं आपको इससे आगे का जो आधा भाग है पद 1 का उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।